आज मैं बना रही हूँ सिरका वाला प्याज। जब भी हम बाहर खाना खाने जाते हैं, कभी होटल या रेस्टोरेंट में, इस तरह से सिरका वाला प्याज हमें ज़रूर मिलता है। और ये बहुत ही फ्लेवरफुल होता है और बहुत ही क्रंचीनेस होती है इसके अंदर, और ये खाने का स्वाद डबल कर देता है। और चलिए आज हम इस प्याज, सिरके वाले प्याज को घर में बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और बिल्कुल वही टेस्ट आएगा होटल या रेस्टोरेंट की तरह। तो इसके लिए मैंने ये छोटे साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इस तरह से मैंने इनको छिलका उतार के बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। और ये देख सकते हैं इस तरह से 18 से 20 प्याज हैं छोटे साइज़ के। और अब हम इन प्याजों को कट करेंगे। कट कैसे करेंगे, हम इन्हें पूरा नहीं काटेंगे। आपके पास बड़े प्याज हैं तो आप उन्हें काट के दो पीसेस कर सकते हैं बड़े प्याजों के, लेकिन ये छोटे प्याज हैं इनको हम इस तरह से काटेंगे बिल्कुल ऊपर ही ऊपर से। ये देखिए, एक प्याज उठाएंगे और इसके ऊपर साइड से हमें पहले इस तरह से हल्के हाथों से कट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा कट करना है, अंदर तक पूरा नहीं काटना है, नहीं तो इसके अलग अलग पीसेस हो जाएंगे। तो हमें इन्हें दोनों तरफ से कटना है, आगे से भी और पीछे से भी, दोनों साइड से इन्हें हल्के हाथों से इस तरह से कट करना है। ये देखिए, अंदर तक नहीं करना है, बिल्कुल ऊपर ऊपर करना है। हमें इन्हें इस तरह से काटना है ताकि इसके अंदर सारे मसाले और विनेगर वगैरह अच्छे से चले जाएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा इसके अंदर, प्याज के अंदर चले जाएगा। जो ये सारे प्याज काट लिए हैं तो अब हम इन्हें एक बाउल में डाल देते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से बड़ा सा कोई बाउल या बर्तन लीजिए, इसमें हम ये प्याज को डालेंगे। और इसको हमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं काटना, ये देखिए इतना ही काट के तैयार करना है। और अब मैंने लिया है आधा चुकंदर का टुकड़ा, और इसे हम और छोटे छोटे पीसेज में काट लेते हैं। और ये कलर के लिए डालना है हमें इसको। और वैसे भी बीटरूट खाना हमारे सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और ये देखिए, इसको हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में काटेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया कलर आएगा हमारे सिरका वाले। ये काट लिया है मैंने और इसे भी हम इस प्याज में डाल देंगे। अब मैंने ये देखिए ली है हरी मिर्च, और 2 से 3 हरी मिर्ची को मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया है। और ज़्यादा तीखी है तो आप कम ले सकते हैं, इसमें डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा हमारे प्याज में। इसे भी इसमें डाल देते हैं, प्याज सिरके वाले प्याज में बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा इसका। 1 चम्मच डालेंगे नमक, या स्वाद अनुसार डाल दें नमक, और खट्टा बनेगा तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और इसमें मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ चीनी यानी शुगर। और अब मैंने लिया है आधा कप विनेगर, ये देखिए आधा कप है, और विनेगर को इसमें डाल देते हैं। विनेगर खट्टा होता है तो इसमें ये जो सारे मसाले हैं ये फ्लेवरफुल कर देगा इसको। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी। इस तरह से हमें इतना पानी डालना है कि ये जो सारे प्याज हैं इसके ऊपर तक का आ जाए। तो हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें चुकंदर का कलर आने लग गया है, ये इसका कलर देख सकते हैं कितना डार्क हो गया है अभी से। लेकिन हमें इसे इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी और डाल दिया है मैंने, देखिए ऊपर तक का पानी भरना है इसमें ताकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पानी में डूब जाए। सिरका और पानी है जो बराबर लेना है और उसको अच्छे से डूब। 3 से 4 मैंने लौंग ले ली है और लौंग को भी मैं इसमें डाल देती हूँ, ये बढ़िया फ्लेवर देगा इसको। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने 1 कप पानी लिया है, आधा कप हमने विनेगर लिया है, तो हमें इतना ही इसमें डालना है। अगर ज़्यादा विनेगर डालेंगे तो ये बहुत खट्टा हो जाएगा और फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए हमें आधा कप विनेगर लेना है। तो 1 कप पानी लेना है, और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि ये हमें अच्छे से डुबाने हैं इसमें प्याज को। और ये देखिए, ये हमने सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर ली हैं। और इसका कलर देखिए, अभी से इसका कलर डार्क हो गया है। और अब हम इसको ढक के रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए, या आप इसे पूरी रात भर भिगा इस तरह से प्याज पानी में छोड़ दीजिए तो सुबह आप इसका यूज कर सकते हैं। मैंने इसको 7 से 8 घंटे के लिए रखा है, ज़्यादा देर तक नहीं रखा है। और इसका कलर देखिए, इतना बढ़िया कलर आ गया है। ये देखिए प्याज का कलर देखिए, इसके अंदर तक का बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल मसाले चले गए हैं। तो ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल हमारा सिरका वाला प्याज बनके तैयार हो गया है। इसका कलर देखिए पानी का कितना डार्क हो गया है, और प्याज में भी बिल्कुल अच्छे से कलर आ गया है, ये देख सकते हैं। और इसके अंदर बिल्कुल ये भर गया है, इसीलिए हमें इसको कट करना होता है ताकि इसके अंदर तक बिल्कुल अच्छे से ये सारी चीज़ें
चले जाए। और ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए इसका कलर देखिए, जो इसमें ये विनेगर और पानी है तो इसका डार्क हो गया। अब मैंने एक इसमें से बॉटल ले ली है और इसमें हम इस प्याज को डाल देंगे। हमें इसे हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, लेकिन हमें इसको फ्रिज में रखना है। और इसमें अब हम ये प्याज डालने के बाद इसमें सिरका वाला ये पानी भी डाल देते हैं। और अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसे हम फ्रिज में रख देंगे पूरे एक हफ्ते के लिए। और आप इसे 12 से 14 घंटे बाद खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो जब भी पूड़ी पराठा सब्जी दाल कोई भी चीज़ बनाए तो इसके साथ एक प्याज लें और ये खाने का स्वाद बिल्कुल डबल कर देगा हमारे। ये देखिए ये हमारे प्याज बनके तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए।